तो आज की वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से रेड लिली के फ्लावर के साथ मैं करना चाहती हूँ। और इस सीज़न के मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं रेन लिलीज़, जबकि बारिश अभी बहुत अच्छी तरीके से इलाहाबाद में कोई स्टार्ट नहीं हुई है। प्री मानसून रेन्स हो चुकी है, यहाँ पर दो बार बारिश हो चुकी है, बट रेन लिलीज़ की बहारें आनी स्टार्ट हो गई है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मैंने गार्डन में जो भी मेरे पेंडिंग काम थे वो मैंने बहुत सारे निपटा दिए, बहुत सारे मैंने निपटाना बाकी हैं, तो वो सब शेयर करने वाली हूँ। कल इन्हीं सारे कामों के चलते हुए मैं वीडियो में नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। जैसे मौसम बदलने लगता है तो काम बढ़ जाता है गार्डन में, और बारिश से पहले बहुत सारी तैयारी करनी है। और कुछ मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा भी तैयार हो गया है, चोरी की कटिंग वाला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दीवार को हम लोगों ने डेकोरेट किया वो भी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ये रोज़ेलिया जो है मेरा, जो कि फायर क्रैकर प्लांट है, बहुत बड़ा सा हो गया था और मुझे इसका भी लग रहा था कि जैसे बैलेंस बिगड़ के ये गिरा है डक वाइन, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा हो गया था, उसी तरह के मुझे लग रहा था ये भी गिर जाएगा। फिर मैंने इसमें आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये सपोर्ट लगाई है, इसको पूरा बांधा है, नीचे से प्रून किया है, बहुत बड़ा हो गया था ये। फिर मैंने जो अडेनियम के मेरे प्लांट्स हैं, ये ग्राफ्टेड वैरायटी वाले, जो कि मैंने शॉपिंग वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर भी किए थे, लास्ट ईयर वाले हैं ये, और इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। बट मैंने इन्हें फर्टिलाइज़ करने का काम फिर से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बारिश के टाइम में नहीं कर पाएंगे। और जैसे फर्टिलाइज़ करना है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी। इस प्लांट को भी मैंने थोड़ा सा आज जो है प्रून किया है, ये पैरेट्स बीक, ये देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इस तरीके से और तोते की चोंच की तरीके से ऐसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर और यूनिक टाइप के इसके फ्लावर्स आते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। फोकस नहीं बनवा पा रहा है क्योंकि इस बार बार हिल रही ब्रांचेस, तो इसके ऐसे ही करके सारे जो इसके टिप्स हैं सभी में जो है खूब अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। पर प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और मुझे लग रहा है कि आंधी वांधी आई तो बैलेंस ना बिगड़ जाए, तो आज मैं इसीलिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं जिसकी भी ब्रांचेस लैगी हो रही हैं, बहुत बड़ा होता जा रहा है, सबको मैं जो है आज प्रून करने वाली हूँ। कई को मैंने कर दिया ऑलरेडी, कई को मैं आज करने वाली हूँ। जैसे इसे कर दिया, इसमें आप देख सकते हो ये बुशी भी हो गया है और अच्छी सी मतलब इसका शेप आ गया है। इसी तरीके से मैंने ये वाला हिबिस्कस बहुत बड़ा जा रहा था, इसे भी मैंने प्रून कर दिया, तो इसमें आप देख सकते हो खूब अच्छी ग्रोथ आ गई। तो अभी इसी तरीके से सबको करना है बारिश आने से पहले सबको, ताकि शेप में भी आ जाए, बुशी हो जाए, और हाइब्रिड हिबिस्कस में फ्लावरिंग होती है खूब अच्छी बारिश के मौसम में। ये बोगनविला ने फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दी, पहले तो वीडियो बनाई थी मैंने इसकी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, और फिर से इसमें जो है पूरे वाले जो प्लॉट था पूरा फ्लावर्स का स्पेंट होने के बाद अभी फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले टेरेस गार्डन में, और ये मेरा इंडोर प्लांट्स का सेक्शन है, और यहाँ पर सबसे मेरे लिए जो होता है ना खुशी का मोमेंट था आज, मैंने देखा कि ये मेरा रबर वाइन का जो मैं कटिंग चोरी करके लेके आई थी, आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था, और इस पौधे को मैंने 12 अप्रैल को मैं इसकी कटिंग लेके आई थी, और 12 अप्रैल से अब आज मैंने देखा इसके अंदर इतनी अच्छी सी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है, और मुझे लग रहा है कि अब ये कटिंग लग गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये पौधा मैं काफ़ी दिनों से सर्च करी तो मुझे मिल नहीं रहा था, तभी मुझे चोरी की कटिंग लेके आनी पड़ी, और एक ही कटिंग थी मेरे पास। बट आप ये देख सकते हो कि ये कटिंग की डेप्थ ना, ये पेंसिल जितनी मोटी कटिंग है, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि पेंसिल जितनी मोटी कटिंग अच्छे से लग जाती है, एग्ज़ाम्पल आपके सामने ही है, जबकि मौसम इतना ख़राब रहा है, अब तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है बारिश जो दो दिन से हुई है, बट उससे पहले बहुत गर्मी थी, फिर भी कटिंग अच्छे से लग गई है। ये हमारे गार्डन की एक ऐसी दीवार है जो कि ना तो बहुत इवन है, और यहाँ पे नीचे लगा है टैप, और ये पड़ी है पूरी की पूरी खाली, और मैं चाहती थी कि इसमें भी मैं कुछ अच्छे से इसको डेकोरेट कर दूँ, कुछ प्लांट्स वगैरह लगा दूँ, तो आज के वीडियो में मैं इसी के ऊपर वर्क करने वाली हूँ। तो पहले हम लोगों ने ये सरफेस को इस तरीके से क्लीन कर लिया है, ताकि जो हमने स्टिकर ख़रीदा है, हमने वॉल स्टिकर खरीद रखा है और वाटरप्रूफ वाला, इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से वो अच्छे से स्टिक हो जाए, तो ये देख सकते हो अच्छे से क्लीन कर देना है। स्टिकर हमारे पास जो है वो ये है, इतना ही बड़ा डिज़ाइन है, इसी को ही हमें पूरे में लगाना है,
और ये स्टिकर भी मैंने कोई ख़रीदा नहीं है, ये पहले से घर में मंगाया था फ्लिपकार्ट से और ये ऐसे पड़ा हुआ था घर में, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इसका डिज़ाइन है और इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पर पूरा स्प्रेड करके लगाने वाले हैं। सीधा उसका देख लेना, टेढ़ा का सीधा है। तो ये जो पहला बड़ा डिज़ाइन था इसका हमने इस तरीके से इसको लगा दिया है। थोड़ा बहुत सीधा टेढ़ा हो भी सकता है, वैसे सीधा ही लग रहा है अभी तो। अच्छे से स्टिक भी हो गया और पानी पड़ने पे ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। स्टिकर की ग्रिप और अच्छी बना के और प्रॉपरली जो एयर पॉकेट हैं वो रिमूव हो जाए उसके लिए वीरेन एक कपड़े की हेल्प से जितने भी एयर पॉकेट हैं उनको रिमूव करते चल रहे हैं ताकि स्टिकर हमारा अच्छे से वॉल में अटैच रहे। तो अभी कैसे तुमने लगाया इसको ज़रा मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताना कि कैसे इसको क्या किया है। ये जो है ना ये क्या लगाया है, गुल्ली लगाया है। ये ड्रिल से छेद करके, ड्रिलिंग मशीन से छेद करके और यहाँ पर इस तरीके की ये गुल्ली लगाई है, गुल्लियाँ हैं ये। और गुल्ली के बाद ऐसे कोई भी कील लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेंच वाली कील हो। तो इनके पास ये इस तरीके की कील है ना पड़ी हुई थी घर में, ऐसे जगह ही कील थी पुरानी, तो उन्हें ही लगा दिया है। वरना इस तरह की ये चाइनीज कील आती है, ये काफ़ी अच्छी बता रहे हैं कि इसको काफ़ी मतलब स्टर्डी होती है ना, ख़राब नहीं होती है। तो पर हम लोग ने अपनी पुरानी ही चीज़ें यूज़ करी हैं इसमें, तो हमारी पुरानी वाली इस तरीके की कीलें थी छोटी वाली, इनमें कोई पेंच नहीं बने हुए हैं, वैसे ही है ये, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। बस हल्का हल्का ही सपोर्ट देना क्योंकि बहुत हैवी तो है नहीं हमारी जो बॉटल्स हैं जो इस तरीके से मैंने जिनमें कटिंग्स वगैरह ग्रो करती रहती हूँ। और ये इनका पूरा सेटअप है जो इन्होंने कर रखा है, यहाँ पर इनके पास है ड्रिलिंग मशीन, यहाँ पर इनके पास है सोल्डिंग मशीन, सोल्डिंग से ये छेद कर रहे हैं जितने भी हम लोगों ने बॉटल्स वाले प्लांटर्स बना रखे थे, तो वो यहाँ वहाँ हो रहे थे जैसे ये वाला था, तो सभी में ऐसे होल कर ले रहे हैं। तो फाइनली हमारी जो वॉल है वो इस तरीके से दिखने लगी है, जहाँ पे ये इसमें कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लैंक थी, एकदम डल थी, और वहाँ पर ये आप देख सकते हो कि अभी काफ़ी सुंदर से दिखने लगी है। अब कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं वो भी मैं आपको वन बाय वन दिखा देती हूँ। ये सभी वही प्लांट्स हैं जो कि मैं खुद अपने घर में कटिंग से मैंने ग्रो किए हुए हैं, अलग अलग टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। ये एक फर्न की वेराइटी है, ये देख सकते हो आप, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये मैंने ऐसे शैम्पू की बॉटल घर में जो पेंट करी हुई थी इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक ये फोन की वेराइटी है, उसके अलावा एक ये डेविल्स बैकबोन की कटिंग ये लगाई थी और इसे मैंने इस तरीके से ये बिस्लैरी की बॉटल में इस तरीके से लगा दिया है। फिर यहाँ पर ये एक पूजा की कटिंग लगा रखी है और पूजा की कटिंग भी अच्छे से चल रही है, अभी तो काफ़ी छोटा है इसीलिए मैंने इसको ऐसे शैम्पू की बॉटल में लगा रखा था, तो ट्रेस में की और इसमें मैंने इसको इस तरीके से हैंग कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर वॉन्डरिंग जू की कटिंग लगा रखी है, वो भी ऐसे ही पानी की बोतल में ही है। फिर यहाँ पर एक और शैम्पू की बोतल में मैंने लगा दिया है सिंगोनियम की कटिंग, ये पिंक वाले सिंगोनियम की कटिंग है, ये पुरानी पत्ती है, अब ये नई पत्ती आ रही है, ये ऐसे निकलेगी तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ट्रेल करता हुआ जाएगा तो काफ़ी सुंदर लुक ऐड करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैंने दो प्लांट लगा रखे हैं, एक ये स्विस चीज की कटिंग लगा रखी है और एक ये हार्ट लीफ फिलोडेंड्रोन की लगा रखी है। फिर इसी तरीके से ऊपर वाली बोतल में भी पेंट नहीं हो पाया बट उसमें भी मैंने लगा दिया है कैलेसिया फ्रेग्रेंस, कैलेसिया फ्रेग्रेंस भी ऐसे ट्रेल करता हुआ बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और वॉन्डरिंग जू की वेराइटी है ट्रेड कैंटिया और इस बोतल में भी अभी पेंट नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद एक ये और कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसके अंदर भी सिंगोनियम है, सिंगोनियम का वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देख सकते हो। और ये कटिंग भी आप लोगों के साथ ही शेयर किया था मैंने जब लगाया था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लगा रखा है आयरिसाइन और ये देख सकते हो आप, आयरिसाइन मेरा काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका है। और यहाँ पर ये बॉटल वाला प्लांटर है जो कि मैंने खुद भी बनाया था और इसमें इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। और यहाँ पर ये डेविल्स बैकबोन, इसमें दो है, एक वेरीगेटेड है एक नॉन वेरीगेटेड है, इस तरीके से वेरीगेशन वाला है ये और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये,
तो इस तरीके से ये भी बॉटल के प्लांटर में लगा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे जो है बुशी हो जाएंगे, बहुत सारे ट्रेलिंग प्लांट्स हो जाएंगे, और फिर जब सारे प्लांट अच्छे से ग्रो होने लगेंगे तो वॉल को काफ़ी खूबसूरत लुक देंगे। और आज ये जो हमारा पौधा है बर्किन, जो कि अराउंड 1.5 ईयर का, 1.5 ईयर से इसी पॉट में लगा हुआ था, अभी भी लगा इसी पॉट में, बट इसकी मिट्टी होता है ना, एक डेढ़ साल में एक बार आपको रिपोर्ट करना ही पड़ता है प्लांट को, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल फिर बेकार सी हो जाती है, फिर ऊपर से टॉपअप करने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए पूरा इसको हम लोगों ने पूरा जो है नया मिट्टी पूरा सारा कुछ फर्टिलाइज करके पूरा डाला है आज। इसके अलावा एंथूरियम, यहाँ पे इसमें 2 एंथूरियम्स हैं, और दोनों को आप देख सकते हो, वहाँ पर दिखा पा रही हूँ कि नहीं, यहाँ पर दिखा पा रही हूँ, यहाँ पर 2 एंथूरियम्स हैं आप देख सकते हो। तो ये दोनों को मैंने एक में ही लगा रखा था पहले भी, बट इसका भी वही हुआ था, गमला थोड़ा ख़राब सा हो रहा था, तो फिर नया गमला इसको दे के इसको भी पूरा अच्छे से फर्टिलाइज करके रिपोर्ट किया आज। यहाँ पर हमारा डक वाइन हो चुका था, बहुत ही बड़ा सा, बहुत बड़ा, वो देखिए इतना दूर तक जा रहा है। और डक वाइन का क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न है, और गमला उसका जो है टूट गया, इतना हैवी हो गया था, ये खुद से गिर गया और ये टूट गया। फिर ये हुआ कि चलो अब इसे और बड़ा गमले की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने आज 20 इंच का गमला होगा ना, ये 20 इंच का, 20 इंच के गमले में आज हम इसे लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग वगैरह आने स्टार्ट हो रही है। हाँ, गमला तो पूरा टूट चुका है, पूरा का पूरा टूट चुका है। अभी डक वाइन काफ़ी बड़ी की थी, तो इस वजह से ये हुआ कि फिर इसे ऐसे ट्रेलिस में बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत ही बड़ी हो गई। फिर भी हम लोगों ने एक ये लगाया था सपोर्ट के लिए। फिर ये हुआ कि ऐसे इसको पाइप में ऊपर पाइप ये जा रही, इसमें एलमेंडा की वाइन भी चढ़ा रखी है, तो इसी वाली पाइप में हमने फिर डक वाइन को भी चढ़ा दिया है। आज मेनली हम लोग गार्डन में इसी तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे खीरे के बहुत सारे पौधे हैं और सब में देख सकते हो आप फ्लावरिंग हो रही है, तो सब जो है इस तरीके से ऐसे फैल रहे हैं, और बट फैलने में क्या होगा कि जो भी इसमें फ्रूट्स लगेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग सबको ऐसे थोड़ा सपोर्ट दे के ऊपर चढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे को हमने जैसे एलमेंडा को ऐसे कर दिया, क्योंकि हवाएं जब आंधी आती, हवाएं तेज़ चलती हैं, तो बहुत बड़ा प्लांट है ये एलमेंडा का, हमारे घर का ओल्डेस्ट है, तो ये ख़राब हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे इसको बांध दिया है। इस तरीके के सारे काम आज हम लोग कर रहे हैं। ये मधुमालती था, जो कि मैंने शॉपिंग वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर भी किया था, और ये मधुमालती भी बहुत बड़ा हो गया था, मतलब जितना छोटा था मैं लेके आया, देखते देखते ये बहुत बड़ा सा हो गया था, तो इसको फिर पूरा प्रून कर दिया है। और क्योंकि जो लैगी ब्रांचेस होते हैं, अगेन उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है जब हम लोग गमले में खास तौर पे लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको सब प्रून कर दिया है। अभी यहाँ पर भी, यहाँ पर लौकी और खीरा है, तो इसको ऐसे करके इसे भी ऐसे चढ़ा दिया है पूरा। सेम का मौसम नहीं है क्योंकि, तो सेम को हम लोगों ने काफ़ी हद तक छोटा कर दिया, प्रून कर दिया, मतलब पौधा हमने रहने दिया पर हमने उसे प्रून कर दिया, पर लौकी और खीरा ऐसे करके चढ़ा दिया है। फिर यहाँ पर हमारा लोटस का पौधा है, इसमें 2 तरह के हैं, एक तो बड़ा साइज़ का लोटस होता है और दूसरा जो बाउल लोटस होता है, वो दोनों एक ही में, तो इसे भी हम सेपरेट करने वाले हैं, तो बहुत सारा काम अभी बहुत बाकी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।